अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात का साइंस, इसका लेसन नंबर 8, इसका पार्ट 2, हिस्सा 2 हम पढ़ेंगे आज। हम तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमारे स्केलेटल के दो हिस्से बताए हुए थे, जिसका नाम था द एक्सियल स्केलेटल और दूसरा नाम था द अपेंडिकुलर स्केलेटल, यानी एक महिवारी ढांचा था और दूसरा मददगार ढांचा था, ये हमने देखा था। तो चलो आइए हम देखते हैं आज के जॉइंट्स जो है हमारे बॉडी में, जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के ताल्लुक से हम आज इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। तो देखिए, जॉइंट एक से ज़्यादा दो हड्डियाँ जहाँ मिलती हैं या जुड़ती हैं उसको जॉइंट कहते हैं। तो आप देखते हैं हमारे हाथ यहाँ से ऐसे फोल्ड होते हैं, यहाँ से फोल्ड होते हैं, यहाँ से, और उंगलियों में बहुत सारे जॉइंट है, इसको जॉइंट कहेंगे, जोड़ कहेंगे, ठीक है। जहाँ से दो हड्डियाँ जुड़ी होती है उसको जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट के यहाँ पर दो किस्में बताई हुई है। पहला देखिए, मूवेबल जॉइंट, यानी मूवेबल जॉइंट का मतलब होता है हरकत करने वाला जॉइंट। जैसे ये हरकत करने वाला जॉइंट है, ये भी हरकत करने वाला जॉइंट है। तो उसमें मिसाल दी हुई है, जो हमारे बॉडी में हरकत करने वाले जॉइंट है ऐसे कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, हाथ के यानी आर्म्स जॉइंट और लेग्स जॉइंट, यानी पैर और हाथ के जो हड्डियाँ हैं, वो जो जोड़ हैं, वो हरकत करते हैं। तो दूसरा जॉइंट है इमूवेबल जॉइंट, यानी जो हरकत नहीं करता है, लेकिन जॉइंट होता है लेकिन हरकत नहीं करता है। ऐसे भी जॉइंट होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं, ऐसी भी हमारी हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो इसमें एक है स्कूल, यानी हमारी जो खोपड़ी होती है ना, वो हरकत नहीं करती है लेकिन उसमें जॉइंट होते हैं। नीचे का जबड़ा छोड़कर ऊपर का जो खोपड़ी हमारी है वो हरकत नहीं करता है, तो ऐसे हड्डी को कहेंगे इमूवेबल जॉइंट। यानी मूवेबल जॉइंट को हम उर्दू में कह सकते हैं मुतहर्रिक जॉइंट, मुतहर्रिक जोड़, और इमूवेबल को उर्दू में कहते हैं गैर मुतहर्रिक जोड़। अब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो यहाँ पर तीन किस्में दी हुई है जॉइंट्स की, अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग शक्ल के होते हैं जॉइंट हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर तीन तरह से दिए हुए, जैसे एक है हिंग जॉइंट, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और तीसरा है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब इसे हम देखेंगे, इसकी शक्ल देखेंगे और इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो ये देखिए तस्वीर में, सबसे पहला जॉइंट है हिंग जॉइंट। ये जॉइंट है हरकत करने वाले, यानी मूवेबल जॉइंट की किस्में, ठीक है, जो हरकत करते हैं। ऐसे जोड़ की किस्में हैं तीन। तो पहला है हिंग जॉइंट, यानी कब्जेदार जोड़। तो देखिए शक्ल में इसकी तारीफ है कि दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट्स ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ये जो जॉइंट है हिंग जॉइंट, ये एक ही डायरेक्शन में हरकत कर सकता है, एक ही डायरेक्शन में मुड़ सकता है, एक ही तरफ, ठीक है, एक ही सिमत में मुड़ सकता है। ये 180 डिग्री एंगल में ये हरकत कर सकता है। अब इसकी मिसाल कौन कौन सी है, देखिए कौन कौन से जॉइंट ऐसे हैं जो 180 डिग्री मुड़ सकते हैं। तो वो हैं द एल्बो एंड नी जॉइंट, यानी कोहनी और घुटना, ये जॉइंट जो है वो कब्जेदार जोड़ की मिसाल है, हिंग जॉइंट की मिसाल है। अब दूसरा देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे उर्दू में कहेंगे गेंद और प्याला नुमा हड्डी। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन मूव इन टू और मोर डायरेक्शंस इन अ 360 डिग्री एंगल। एग्जांपल्स शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। अब आप समझ गए होंगे, इस किस्म के जोड़ जो है वो दो या दो से ज़्यादा सिमतों में मुड़ सकते हैं, आगे भी मुड़ सकते हैं, पीछे भी मुड़ सकते हैं, गोल भी घुमा सकते हैं उसको। ये जो हरकत है वो 360 डिग्री जाविये पर होती है, 360 डिग्री जाविये पर होती है। अब इसकी मिसाल क्या है, जो 360 डिग्री घूम सकता है वो है हमारा कंधा और कोल्हा, कंधा और कोल्हा। अब तीसरा देखो ग्लाइडिंग जॉइंट, यानी फिसलने वाला जोड़। यानी इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर। एग्जाम्पल्स रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। यानी इस किस्म के जोड़ में जो हड्डियाँ सिर्फ एक दूसरे पर फिसलती हैं, मसलन कलाई यानी हाथ पैर के टखने की का जोड़, ये जो जोड़ है जो शक्ल में दिया हुआ है, ये फिसलने वाले जोड़ हैं, ग्लाइडिंग जोड़ हैं। अब देखेंगे जॉइंट के बाद, अब देखेंगे जिल्द द स्किन। स्किन हमारे जिस्म का, हमारे बॉडी का एक अहम हिस्सा है, एक हिस्सी अजू भी है, हमारे जिस्म का एक सेंसरी ऑर्गन है और एक अहम उजू है हमारा जिल्द। इसमें जिल्द पर हमारे बाल भी होते हैं, है ना, कहीं कहीं पर नाखून है जिल्द में हमारे। तो ये हमारे जिल्द का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखना है कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन, ठीक है, यानी जिसे हम उर्दू में कहेंगे कि जिस्म के बैरूनी गिलाफ को जिल्द कहते हैं। जिल्द हमारे पूरे जिस्म को ढाके हुए है, कवर की तरह, ठीक है ना। अब देखेंगे उसका कि जिल्द यानी फंक्शंस ऑफ द स्किन, जिल्द के कौन कौन से काम हैं ये हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, वो हम बाद में देखेंगे, पहले फंक्शंस ऑफ द स्किन, जिल्द के काम कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। यहाँ देखिए तस्वीर में, फंक्शन ऑफ द स्किन प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स बोन्स ऑर्गन सिस्टम ईटीसी, ठीक है, यानी
जिल्द जो है वो हमारे अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करती है, जैसे हड्डियाँ है ना और मुख्तलिफ दूसरे अज़ा, ये सारे अज़ा की हिफाजत करती है, उसको कवर से ढाक के रखती है। दूसरा पॉइंट है देखिए, हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी, यानी जिसमें की नमी को बरकरार रखने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, यानी विटामिन डी पैदा करता है स्किन। चौथा पॉइंट है रिलीजिंग स्वीट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी जिसमें से जो पसीना खारिज करके जिस्म की तपिश को काबू में रखती है। पांचवा पॉइंट है गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कूल, गर्मी सर्दी से हमारी हिफाजत करती है। छठा पॉइंट है द स्किन फंक्शंस एज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच, जिल्द लमसी हिस्स के तौर पर भी काम करती है, हमें एहसास होता है। अब देखना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, स्किन की जिल्द की साख्त कैसे होती है, इसके बारे में देखते हैं। शक्ल में देखिए, ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ टू मेन लेयर्स, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस एंड द लेयर बिलो इट इज कॉल्ड द डर्मिस, यानी इंसान के जिल्द दो तहों से मिलकर बने हैं। इंसान की जिल्द जो है वो दो तह से मिलकर बनती है, बैरूनी तह को हम बरूउदमा कहते हैं और जबकि उसके नीचे की तह को दरूउदमा कहते हैं, यानी डर्मिस कहते हैं। ठीक है, दरूउदमे के नीचे खून की नालियां और अजबी रेशों का जाल होता है, इसके नीचे जेरे उदमा की तय होती है, उसके नीचे जो होती है वो जेरे उदमा की तय होती है, वो जिस्म के दर्जे हरारत को काबू में रखती है। बरूउदमा की मुख्तलिफ तय होती हैं, यानी एपिडर्मिस की जो है ना वो बहुत सारी किस्में होती है। यहाँ देखिए शक्ल में, बरूउदमा, दरूउदमा, जेरे उदमा, यानी यहाँ देखिए सबसे ऊपर ये जो है ये बाल नज़र आ रहे हैं, ये पहले ऊपर की जो स्किन है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, यानी बरूउदमा, यानी ऊपर की बैरूनी हिस्सा, बैरूनी जिल्द। उसके बीच वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं डर्मिस, यानी दरूउदमा, यानी अंदर का जिल्द। उसके नीचे होता है सबकुटीज, यानी जेरे उदमा, जिसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। तो ये हो गया स्किन का स्ट्रक्चर, स्किन की शक्ल। अब दूसरा चार्ट देखो, मेलानिन क्या है देखेंगे। मेलानिन यानी जल्दी स्याही, जिल्द का जो कलर होता है ना हमारे, किसी किसी का काला होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का गुलाबी होता है, किसी का गंदुमी होता है ना, मुख्तलिफ कलर के लोग होते हैं। अफ्रीका के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं, इंडोनेशिया के लोग काले होते हैं, अमेरिका के लोग, जैसे जैसे हम इस दुनिया में साउथ की तरफ जाएंगे तो डार्क होंगे और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो गोरे लोग होते हैं, एकदम गोरे गुलाबी। अब मेलानिन क्या है देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तस्वीर में देखो, जिल्द की तह के खुलियात में मेलानिन नाम का रंगीन मादा होता है, रंगीन मादा होता है मेलानिन नाम का। मेलानिन जिल्द में पाए जाने वाले मखसूस गुदूद में बनता है। मेलानिन के तनासुब के लिहाज से जिल्द का रंग गोरा काला होता है। जिल्द के रंग का इन्हिसार आबू हवा पर भी होता है। मेलानिन जिल्द और अंदरूनी हिस्सों की बालाए बनफशी शुआओं से हासिल होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो सनरेज होती है ना उससे हासिल होता है। इसलिए मैं पहले कहा कि जिल्द का दारोमदार आबू हवा से भी होता है। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, ये पूछा गया कि जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं तो हमारे जिस्म से पसीना खारिज होता है, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारे जिस्म में पसीने के गुदूद होते हैं, हमारे जिल्द में पसीने के गुदूद होते हैं। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं या मशक्क़त के काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी हीट बढ़ जाती है जिस्म की। तो फिर क्या होता है, हीट बढ़ने से पसीने के गुदूद खुल जाते हैं और वो हीट पानी की शक्ल में, पसीने की शक्ल में जिल्द से बाहर निकलती है और उससे क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बरकरार रहता है, हीट हमारी कम हो जाती है और स्किन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक सवाल दिया हुआ है कि कौन से रंग की वजह से हमारे जिस्म को सूरज की रोशनी से बचाया जा सकता है। सूरज की रोशनी तेज़ जो होती है ना आती है, उससे बचने के लिए हम कौन सा कलर इस्तेमाल करें? तो उसका जवाब है सफ़ेद कलर। अक्सर हम गर्मी के मौसम में कहीं बाहर जाते हैं तो हम सफ़ेद कलर का कपड़ा ओढ़ कर जाएँ, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन कर जाएँ, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, वापस छोड़ता है, गर्मी जज्ब नहीं करता है, सूरज की हीट, रोशनी की हीट जो है ना वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, जज्ब नहीं करता। इसके बरखिलाफ ब्लैक कलर यानी काले कलर का कपड़ा अगर पहनेंगे तो वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और अंदर छोड़ता है, तो हमारी बॉडी को उससे नुकसान हो सकता है काले कलर के कपड़ों से। तो हम गर्मी के मौसम में सफ़ेद कलर के कपड़े पहने ज़्यादा, उससे हीट कम लगेंगी। दूसरा सवाल है कि पसीना जब खारिज होता है तो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कम क्यों हो जाता है पसीना खारिज होने के बाद? तो पसीना खारिज इसलिए होता है क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे जिस्म में गर्मी हो जाती है, हीट बढ़ जाती है हमारे जिस्म की, तो वो हीट जो है वो
हमारे मसामात खुल जाते हैं हीट की वजह से, हमारे मसामात जो हैं जिल्द के वो खुल जाते हैं और उसमें से पसीना बाहर खारिज होता है, और जैसे ही पसीना बाहर आता है तो बाहर का जो मौसम होता है, आबो हवा होती है, वो उसको ठंड कर देती है, उसको ठंडा कर देती है, जिस वजह से हमारी स्किन ठंडी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, इसीलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। अब यहाँ पर शक्ल में देखिए, मैंने आपको मुशाहदा करना है, ऑब्जर्व योर स्किन, आपके जिल्द का मुशाहदा करना है, एंड द स्किन ऑफ योर ग्रैंड मदर, और आपकी जो दादी हैं या नानी है उनकी स्किन का मुशाहदा कीजिए और आपकी स्किन का मुशाहदा कीजिए, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आएगा आपको। तो आपकी दादी की स्किन में झुर्रियाँ नज़र आती है, क्या नज़र आती है, बढ़ती उम्र के साथ साथ जिल्द के नीचे पाई जाने वाली चर्बी का तनासब कम होता है, ये जिल्द दोबारा अपनी असली हालत पर नहीं आती, इसीलिए उम्र रसीदा लोगों की जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिंकल्स, क्या बोलते हैं रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म के जिल्द के अंदर की जो चर्बी होती है ना वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होती है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती है। दूसरा देखो, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि जिल्द की हिफाजत के लिए उससे साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन, साफ सुथरा रखना है जिल्द की हिफाजत के लिए, जिल्द को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। जिल्द के रंग की वजह से भेदभाव करना गैर साइंसी रवैया है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, कोई काला है कोई गोरा है, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। मसनवी तौर पर गोरे होने की कोशिश ना करें, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, मसनवी तौर पर गोरे होने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं या कुछ भी केमिकल मुंह को लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, हो सकता है उससे दूसरी बीमारी पैदा हो जाए, हो सकता है कैंसर हो जाए, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे हैं वैसे ही रहें, इस बात का ख्याल रखना है। अगला टेबल देखो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, हमारे बालों का रंग जो है वो मेलानिन की वजह से होता है, हमारे बाल के भी होते हैं कभी सफ़ेद होते हैं ना, किसी के भूरे होते हैं, अमेरिका में देखेंगे आप तो उनके बाल एकदम भूरे होते हैं, सुनहरी, सोने की तरह, हमारे इंडिया के बाल देखेंगे एकदम काले होते हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है, स्किन में मौजूद मेलानिन की वजह से होता है, यानी स्याही की वजह से, इसको स्याही कहते हैं, जिल्द की स्याही मेलानिन, इसकी वजह से हमारे बाल अलग अलग रंग के हो सकते हैं, गहरे स्याह यानी एकदम काले बाल खालिस मेलानिन की वजह से, जबकि भूरे सफ़ेदी जो मायल होते हैं वो बाल जो होते हैं वो मेलानिन की मौजूदगी गंधक और सुर्ख बाल मेलानिन में लोहे की वजह से होते हैं। मेलानिन में अगर खालिस मेलानिन रहा तो काले बाल रहते हैं, उसमें अगर कुछ गंधक मिला है तो वो बाल ज़रा सफ़ेदी आ जाती है उसमें, और अगर उसमें मेलानिन में लोहे की मकदार रही तो वो बाल एकदम सुर्ख हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, तो ये मेलानिन की वजह से होता है।